हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शिक्षा मंत्री के खिलाफ बाड़मेर की सड़कों पर उतरे शिक्षक। जिला मुख्यालय पर शिक्षक दिवस पर टीचर सड़क पर उतर आए। शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री सेटअप परिवर्तन नीति वापस ले, नहीं तो 2023 में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस दौरान शिक्षक नेता नूतन पुरी ने खुले तौर पर शिक्षा मंत्री को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री ने अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लिया तो उन्हें इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव 2023 में भुगतना पड़ेगा। शिक्षक नेता नूतन पुरी के साथ शिक्षक शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। शिक्षक नेता नूतन पुरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि जिस तरीके से 24 अगस्त को तबादले के लिए सेटअप नीति जारी की गई थी, इस सेटअप नीति का मतलब सिर्फ इतना सा था कि किसी भी तरीके से जो लोग लक्ष्मणगढ़ और सीकर जिले के बाहर हैं, उन लोगों को पुनः वापस गुरु जिले में लाया जाए। कुछ नियमों प्रक्रिया के चलते उनके तबादले नहीं हो रहे थे, इसी के कारण शिक्षा मंत्री ने पूरे राजस्थान के शिक्षकों पर सेटअप परिवर्तन नीति के तहत तबादलों का दबाव बना दिया। हम इसी के विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। हम शिक्षा मंत्री को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस नीति को वापस नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में हम उन्हें उनकी असली जगह बता देंगे। शिक्षकों ने सौंपे ज्ञापन में बताया कि नवीन सेवा नियम 2021 के मुताबिक पंचायती राज के 3 साल के अनुभव को हटाकर 0 साल करने की घोषणा सरकार ने की थी। इसी बात को लेकर शिक्षकों में विवाद हो गया था। ये नियम सारी विवाद का जड़ है, जिसको लेकर शिक्षक अब राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ सड़कों पर है। शिक्षक नेता का आरोप है कि डोटासरा ने अपने व्यक्तिगत हित के लिए पूरे प्रदेश के शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन करने का आरोप लगाया है। डोटासरा अपनी चाहतों का फायदा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। नूतन पुरी ने चेतावनी दी कि अगर माने तो लक्ष्मणगढ़ जाकर मंत्री के सामने चुनाव लड़कर शिक्षक जवाब देंगे। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए नूतन पुरी शिक्षक इन्होंने ये कहा, 18 से लगाकर 25 अगस्त के बीच हम सभी से आवेदन भरवाए गए तबादलों के। इस बीच राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से निदेशक शिक्षा विभाग के नाम से 24 अगस्त को एक तुगलकी फरमान जारी किया गया कि पहले सेटअप परिवर्तन होगा। हमारे को भी समझ में नहीं आया कि भाई सेटअप भी ऐसी क्या मजबूरी पड़ी। 27 अगस्त से हमने आंदोलन शुरू किया। जब हमने सेटअप की वास्तविक सच्चाई पता की तो हमारे को ये जानकारी मिली प्रमाणिक कि हमारे शिक्षा मंत्री महोदय गोविंद सिंह डोटासरा ने 2018 के गहलोत सरकार के बाद शिक्षा मंत्री के बनने के बाद में अंधाधुंध रूप से अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र और सीकर जिले के स्कूलों को क्रमोन्नत करा दिया। अभी जब 2.5 साल बाद में शिक्षकों के तबादला आवेदन भराए गए तो हजारों की संख्या में सीकर के वे शिक्षक या लक्ष्मणगढ़ के वे शिक्षक जो सीकर के अलावा दूसरे जिलों में कार्यरत हैं, उनको लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में और सीकर जिले में लाने की योजना बनाई गई। शिक्षा मंत्री के सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि ये शिक्षक इनका तबादला नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं हो सकता, एलिमेंट्री के अंदर पद खाली है नहीं और बिना पद हम इनको ला नहीं सकते। तो उन्होंने कहा आप हमारे को सलाह दो कि अभी इनको कैसे लाया जाए। तो उन्होंने कहा साहब आप सेटअप करा दो, खूब सारे लक्ष्मणगढ़ और सीकर के नवकरण विद्यालय पढ़े, उनमें पद खाली पड़े हैं सेकेंड एजुकेशन के, तो ये शिक्षक चले जाएंगे सेकेंड एजुकेशन में, एलिमेंट्री के पद खाली हो जाएंगे और हमारे सभी आदमी घर को आ जाएंगे। तो शिक्षा मंत्री जी महोदय ने लक्ष्मणगढ़ और सीकर के सेटअप के लिए राजस्थान के 33 जिलों को बड़े काला कानून थोप दिया कि पहले होगा सेटअप। मतलब इसका मूल उद्देश्य है शिक्षा मंत्री 2023 के अंदर अपनी लक्ष्मणगढ़ विधानसभा की सीट और 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर अपनी वंशवादी राजनीति की फसल को मजबूत करने के लिए सेटअप करा रहे हैं। जबकि राजस्थान सरकार की ओर से इस गहलोत सरकार की ओर से शपथ लेने से पूर्व विधानसभा चुनाव 2018 के कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिख के दिया गया था क्या सेटअप परिवर्तन के हम बंद करेंगे। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी की नीति सही है, राजस्थान सरकार की नीति सही है। उन्होंने हम सब शिक्षकों को राहत देने के लिए राजस्थान सेवा नियम 2021-6-3 का कानून इसी वर्ष लागू किया। उस कानून के तहत लेवल 1 और लेवल 2 के सेवारत शिक्षक तबादले के जरिए काउंसलिंग के जरिए प्राथमिक उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पदस्थित हो सकती है। उसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों को राहत देने के लिए इस कानून के जरिए जो समग्र शिक्षा अभियान की तर्ज पर जो भी भविष्य में भर्ती आएगी रिट की शिक्षक भर्ती
जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।